नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। आज हमारे पास दो टॉपिक है, अर्णब गोस्वामी और पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि अर्णब गोस्वामी और पाकिस्तान को तो मतलब क्योंकि मुद्दा एक जैसा ही है तो उसको एक साथ रखते हैं। नहीं, वो अर्णब गोस्वामी के साथ जो पाकिस्तान लिंक्ड है वो दूसरी चीज़ है, और जो सेपरेटली पाकिस्तान की जो मैं बात करना चाहता हूँ उसमें आपके लिए एक सवाल है, एक पर्सपेक्टिव है, एक थ्योरी है। मैं चाहता हूँ आप उस पर विचार करिए, अपना कमेंट बताइए और समझ में आए कि हाँ इस पे बाकी को भी विचार करना चाहिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाइए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। चलिए पहले अर्णब गोस्वामी की बात कर लेते हैं, जो उनके ऊपर फाइन लगा है और क्या इशू था उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, और किस तरीके से प्रोपोगेट किया जा रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको साइड में दिख रहा होगा द लॉजिकल इंडियन, लेफ्टिस्टों का फेवरेट पोर्टल, ठीक है। यूके ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर स्लैब 20,000 यूरो फाइन ऑन रिपब्लिक भारत फॉर प्रमोटिंग हेट्रेड। अब इसको आपको देख के सबसे जो नॉर्मल एक व्यू बनता है, परसेप्शन बना लेते हैं आप, देखो रिपब्लिक भारत तो हेट स्पीच स्प्रेड करता है, हेट्रेड स्प्रेड करता है, और यूके ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, रिपब्लिक भारत को एक्सपोज कर दिया, अर्णब गोस्वामी को एक्सपोज कर दिया। एक विजन कुछ लोगों के मन में ये बनता है और इसी चीज़ को फैलाया भी जा रहा है, प्रोपोगेट भी इसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और लोग बहुत जल्दी से मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन उसी में नीचे भी लिखा हुआ कुछ, यूकेज ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन सेड दैट द कंटेंट एयर्ड बाय द रिपब्लिक भारत अमाउंटेड टू हेट स्पीच अगेंस्ट पाकिस्तानी एंड डेरोगेटरी एंड अब्यूजिव ट्रीटमेंट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, ठीक। ये रहा मेन मुद्दे का छोटा सा पॉइंट। अब बात ये थी कि मुद्दा ये चल रहा था उस शो में कि जो भारत के जो एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारा टेक्नोलॉजी लेवल है, जो हम लोग जहाँ तक पहुँच चुके हैं, उसका एक कंपैरिजन किया जा रहा था और पाकिस्तान को आईना दिखाया जा रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आता, चलिए ठीक है यूके की पॉलिसी है, आप नहीं कर सकते, फाइन लग गया, वो ठीक है, जनरल प्रोसीजर हो गया, वो चीज़ एक नॉर्म है उस देश का, उसने फॉलो किया। उस देश को ना अर्णब गोस्वामी से कोई दुश्मनी है, ना ही पाकिस्तानियों से कोई बहुत बड़ी मोहब्बत है, उसने सिर्फ अपनी पॉलिसी को फॉलो किया। जैसे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ भी कोई ना कोई रूल नॉर्म्स संविधान कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके तहत ये काम हुआ है, तो उसको हवा बनाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे कोई ये बता दे कमेंट में कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है कि उसको आईना ना दिखाया जाए, उसको एक्सपोज ना किया जाए, उससे प्यार मोहब्बत से बात की जाए, उसको जलील ना किया जाए, उससे हेट ना किया जाए। और अगर सच्चाई को सामने रख देने से, लोगों के असली चेहरे आप बाहर आ जाने से किसी को नफरत होती है उन लोगों से, तो मतलब शायद ये सच्चाई ही ऐसी है कि नफरत कर देनी चाहिए, नफरत कर लेनी चाहिए, और आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि ऐसे लोग नफरत के ही काबिल हैं। और इस प्रोपोगंडा को स्प्रेड करने में हमारे ध्रुव राठी भैया कैसे पीछे हटते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप को लिबरल कहते हैं, लिबरल उनके लिए एक ताज है लिबरल होना, ठीक है। तो ध्रुव राठी भाई साहब ने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अच्छे से समझ के पढ़ के देखिए। ध्रुव राठी ने कहा कि इतने रुपए का फाइन लग गया हेट स्पीच हाईली ऑफेंसिव कंटेंट के लिए, ठीक है, और थूकता है भारत ऑन रिपब्लिक टीवी फॉर डिफेमिंग इंडियन जर्नलिज्म वर्ल्ड वाइड। मतलब ध्रुव राठी की हरकतों से भारत बहुत प्राउड फील हो रहा था, भारत की इज्जत बहुत बढ़ रही थी, और अर्णब गोस्वामी तो भारत थूक रहा है। लेकिन भाई साहब ने गलती से भी ये कोशिश नहीं की कि एक अगला ट्वीट कंटिन्यू में कर दें कि मुद्दा था क्या आखिर, वो क्यों बताएंगे, वो बता देंगे तो भाई साहब का जो पहले वाला ट्वीट है उस पर गाली खा जाएंगे, हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाएगी और भारत इन पर भी थूकने लग जाएगा। तो ये तो रहा अर्णब गोस्वामी का मुद्दा। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, आपको एक थ्योरी देना चाहता हूँ जो कि मैंने अभी खुद नहीं पढ़ी थी, क्या पाकिस्तान के बनने को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या फिर इस तरीके से उसको शब्दों में पिरो के नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का बनना, भारत पे इस्लाम का कब्जा होना, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। कैसे? इस्लाम जहाँ जहाँ फैला वहाँ वहाँ उस देश की सभ्यता उसने ख़त्म की, वो पूरी वो जो पूरा लैंड था, जो पूरी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी थी उस लैंड की, उसने जो उसकी जो नेटिव आइडेंटिटी थी उससे अलग कर दिया और इस्लाम का रूल स्थापित कर दिया, और वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। और ये चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे पाकिस्तान में कैसे हो रही, बांग्लादेश में कैसे हो रही। तो जब इस्लाम भारत में आया उसने भारत का एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिकली मैनिपुलेट करके ले लिया, हमारे उस वक्त के लीडर्स ने जाने दिया, बांग्लादेश भी चला गया, हैदराबाद की कोशिश थी वो तो खैर पटेल साहब थे,
अगर इस बात से आप सहमत हैं तो लाइक करिए, नहीं सहमत तो डिसलाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा और इस बात का भी जवाब देते जाइए कि पाकिस्तान ने आज तक दुनिया को, उस पाकिस्तान ने जो 1947 के बाद एग्जिस्टेंस में आया, उसने दुनिया को क्या दिया है? अटैक के अलावा, टेररिज्म के अलावा, जैश ए मोहम्मद के अलावा, कन्वर्जन के अलावा, इंडिया को 1000 कट्स में ब्लीड करने की जो प्लानिंग है, जो गजवाए हिंद है, उस थ्योरी के अलावा क्या दिया है पाकिस्तान ने? उसकी हिस्ट्री क्या है? अगर उसको भारत से अलग करके देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री कुछ नहीं है। तो उसको अगर आप नहीं क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं एक्सपोज करेंगे, तो आपको किस बात के लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए, ये मुझे बता के जाइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।